मंदिर पे हैं हम इस समय और यहाँ पे मौजूद है। लोगों की समस्या ये है कि ये जो गेट देख रहे हैं आप, ये कहा जा रहा है, यहाँ के लोगों ने बताया पांडवों के समय से ये गेट लगा हुआ है, लेकिन अभी इस गेट को, ये पहला नवरात्र ऐसा है जिसमें इन्होंने बंद कर दिया है, जिससे आने वाले लोग या दुकानदारों को इसका कोई बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है और लोगों की दुकानदारियां भी नहीं चल पा रही है। आइए, कुछ लोग हैं यहाँ पे, इनसे बात करके देखते हैं क्या कह रहे हैं। इन लोग का तोड़ की आमदनी होती है ना, और ये हमारा मार्केट से इधर जाता है, यह जो है यही गेट हुआ करता था, देख रहे हैं कौरव पांडवों के जमाने का ये गेट है और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इस गेट को नहीं बंद कर सकते। सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना हो रही है, उनके आदेश को भी पालन नहीं किया जा रहा है। और अब देख रहे हैं पीछे, देखिए कितनी बड़ी मार्केट है, इतनी बड़ी मार्केट है, और पहले हर नवरात्रे में इसी गेट से आना जाना हुआ करता था, लेकिन आज ये बंद है, कारण करोड़पति है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि पहली बार इस गेट को बंद किया गया हो, या इससे पहले भी कभी बंद हुआ है? नहीं नहीं, ये पहली बार हुआ है, इससे पहले कभी नहीं हुआ था। जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि इसको गेट को बंद नहीं कर सकते, तो आपने कोई अपील की? मौके ही नहीं मिला है, ये आज तक दो दिन तक कहते रहे, आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं। हमने विधायक आतिशी से भी बोला था, आतिशी जी ने आश्वासन दिया, बातचीत चल रही है, हम दो दिन में कर रहे हैं। जब ये हमें कोई सफल होने का मार्ग नहीं हुआ, हम देखे सब मिली जुली है, सबकी साठ गांठ है, तो हमने फिर आप लोग के माध्यम से कदम उठाया। नवरात्रों से पहले तो ये मुख्य द्वार खुला हुआ था, लेकिन अब आके ये क्यों बंद हो गया? क्योंकि पुलिस प्रशासन और पुजारी मिली भगत है, उन लोग की मिली भगत है, करोड़ों का मामला यहाँ पे है और करोड़ों के इनकी आमदनी है, और देख रहे हैं हम गरीब कहाँ जाए। देख सकते हैं कि सर, एक बात मैं कहना चाहूँगा, बहुत ही अच्छी, ये 2500 लेके दर्शन करवाते हैं, और आम आदमी के लिए दर्शन बहुत कम मिलते हैं करने के लिए, उनको तो लेफ्ट मार के ये भगा देते हैं। और जो बंदे कार्ड बनाते हैं, VIP कार्ड बनाते हैं, वो 5000 में, 10000 में, 20000 में ऐसे कार्ड बनाते हैं, वो लोगों को ये दर्शन करवाते हैं और आम आदमी को तो लेफ्ट मार के बाहर से भगवा देते हैं। चलिए आप देख लीजिए, ये वो द्वार है जो अभी अभी हमने आपको दिखाया, जो द्वार इससे पहले खुला रहता था, और सारे भक्तगण इसी रास्ते से इस मंदिर के अंदर प्रवेश करते थे, जो मैं दिखाने जा रहा हूँ। और इसके दोनों तरफ दुकानें बनी हुई हैं, और जब भक्तगण आते थे तो प्रसाद, पूजा का सामान या कोई अन्य चीज जो इन दुकानदारों से खरीदते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। इस बार इस गेट को बंद कर दिया गया है। मैं आपको एक बार और दिखा दूँ उस गेट को, ये वो गेट है जिसको इस बार बंद कर दिया गया है प्रशासन की तरफ से, या दिल्ली पुलिस की तरफ से, या केंद्र या दिल्ली किसकी तरफ से बंद किया गया अभी ये साफ नहीं है, लेकिन इस गेट को बंद कर दिया गया है, जिससे इस बार आप दुकान देख लीजिए, दुकान के बाहर जो है कालीन जैसी लगी है और बंद कर रखी है, दुकानों को कोई फायदा नहीं है, यहाँ के दुकानदार बिल्कुल खाली बैठे हुए हैं, क्योंकि इधर से जब भक्त आएंगे ही नहीं तो इन लोगों के सामान की कोई बिक्री नहीं होगी, जबकि इनकी जीविका जो है नवरात्रों पर ही आधारित है, और नवरात्रे होते हैं तो ये लोग शायद इतना कमा लेते हों जो कि साल भर तक इनका चलता हो, या इस बार इनका कैसे चलेगा हिसाब किताब, अब ये तो ये जाने या जाने कल का माही। आप बने रहिए हमारे साथ, तो देखते रहिए NCR करंट न्यूज। आना जाना तो शुरू हो गया है और दो दिन बीत भी गया है, लेकिन अफसोस इस बात की है कि कालका मंदिर तो खुल गई है, लेकिन हमारा मार्केट का जो एग्जिट पॉइंट है वो नहीं खोला गया। आखिर क्यों, सवाल खड़ा होता है, इसमें पुलिस प्रशासन, उसमें पुजारी जिम्मेदार हैं। जो आप देखे हैं राम चौक से एंट्री है और एग्जिट पॉइंट है सुरेंद्रनाथ शिव मंदिर की तरफ, मेट्रो की तरफ है। हमारा कहने का यह मतलब है, सुरेंद्रनाथ का बीवी बच्चा तो नहीं है, वो तो अवधूत है, हमारे इतने बीवी बच्चे हैं, इतने बड़ी मार्केट है, क्या मतलब कि हम बेरोजगार हैं? हमारे खाने के लिए लोग मुहताज हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, देख रहे हैं सब दुकानदार भाई है, और पूरी दुकान बंद पड़ी हुई है, मेरा एग्जिट पॉइंट नहीं खोला गया, क्यों? क्योंकि वो करोड़पति है सुरेंद्रनाथ, और DM के कहने पर उधर खोल दिया गया, हमारे तरफ नहीं खोला। आपने इसकी शिकायत कहीं पे की है कि हमारा भी एग्जिट पॉइंट खोल दिया जाए? हाँ, हम अपने विधायक आतिशी से भी किया था, DM से भी किया है, SHO से भी किए हैं, ACP से किए हैं, हमारे ACP साहब से भी काफी बात हुए हैं, तो उन्होंने बोले हम गौर करेंगे, वो आज तक 3 दिन हो गया गौर ही कर रहे हैं।
नहीं, आप लोगों की जो जीविका है वो नवरात्रों में ही ज्यादातर चलती है, इसके बाद तो फिर नॉर्मल चलती है, एक आशा सा लगता है। बिल्कुल, तो इस बार के डीएम साहब या एसएसपी साहब, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? डीएम साहब कोई आश्वासन नहीं दिए, वो बड़े बुजुर्गों के सुनते हैं, पैसे वाले के सुनते हैं, सारे प्रशासन बिकाऊ हो गए इस टाइम। हम साफ और खरी बात कहते हैं, क्योंकि हम गरीब हैं, हमारी पहुंच नहीं है, इसलिए हमें अनदेखा किया गया है। इस समय पर मोती जी, आप आत्मनिर्भर होने की बात करते हैं, और आप जो बता रहे हैं कालका मंदिर के जितने भी दुकानदार हैं वो लगभग बेरोजगारी की कगार पे हैं, और ना ही एग्जिट पॉइंट खोला गया है, तो क्या मंशा हो सकती है यहाँ के जो प्रशासन की, कालका मंदिर के, या जो सत्ता पे अभी साबित है, वो क्या चाहते हैं? देखो जी, बर्बाद करना चाहते हैं लोगों को, बिल्कुल बर्बाद करना। एक तरफ तो हमारे मोदी जी कहते हैं हम रोजगार दे रहे हैं, आप बेरोजगार मत हो, तो हमारा तो ऑलरेडी रोजगार है, हमारा एक आशा है, पिछली भी नवरात्रा में हम लोग एक पैसा नहीं कमाए, आपका कोविड 19 का इज्जत किए, हमने उसका पालन किया, और आज ऐसी स्थिति, आज तो कोविड 19 नहीं है, फिर भी हमारा क्यों एग्जिट पॉइंट को बंद कर दिया क्या? हमारे बच्चे भूखे मर रहे, हमारे दुकानदार के बच्चे को कोई राशन देने आता है? आपको क्या लगता है, कोरोना के चलते हुए बंद किया है या और कोई राजनीति मंशा है? नहीं, ये कोरोना के नाम पे राजनीति है, कोरोना के नाम पे राजनीति है, कोरोना ये नहीं कहता है, कोविड 19 का नियम ये नहीं कहता कि आप गरीब को तंग करो, आप परेशान करो आप, लेकिन यहाँ तो गरीबों को खून चूस के अब पंडितों को भला किया जा रहा है। अगर आया मंदिर का, उधर से आया तो मंदिर में पुजारी का चढ़ाया हुआ, और अगर एग्जिट पॉइंट खोला गया तो सुरेंद्र नाथ के तरफ से जो दान दक्षिणा मिलता है, और जो लोग वहाँ दान करते हैं पैसे, तो वो भी तो पुजारी है, सुरेंद्र नाथ भी पुजारी है, उनका भी भला हो गया, वो भी करोड़ों रुपये कमा गए, इसमें ठन ठन गोपाल कौन है? तो हमारे बेचारा छोटे छोटे दुकानदार, छोटे छोटे रेहड़ी पटरी वाले, वो ठन ठन गोपाल हो गए। आप यहाँ की स्थिति देखते कि जो पब्लिक आने वाली है वो कूद फांद के आ रही थी, रास्ता बिल्कुल बंद कर रखा है, और नीचे से किसी नाली, उसके कोई टंकी है उसके नीचे से निकल के आ रही थी, बहुत बुरा हाल था, हम लोगों का भी बहुत बुरा हाल था, हम किस तरीके से अपना रोजी रोटी के लिए लेने के लिए बाहर जाए, तो इस तरीके इतनी परेशानी थी, तो अभी भी यही परेशानी बनी हुई है कि उन्होंने कोई हमारे लिए रास्ता अपने ना तो पब्लिक के लिए ना हमारे लिए रास्ता निकालने के लिए। अच्छा, ये हमेशा धौंस देते रहते, हम ये बंद कर देंगे, ये बंद करने का ही रास्ता, क्योंकि उधर को निकाल देंगे, हमारे लोगों को परेशान करने के लिए काफ़ी कुछ ये करते रहते हैं। धौंस कौन दे रहा है? धौंस पुजारी, पुलिस हमें हमारे लिए बंद करवाने के लिए आई, दुकान बंद करो, हमने कि नहीं, हमारा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जब तक आप ऑर्डर दिखाइए हम बंद कर लेंगे, हमने नहीं करी दुकानें बंद। हम लोगों की दुकानों का, सब भाइयों का कोरोना टेस्ट हो चुका है, उसमें एक भी जो है मेंबर को कोरोना सब नेगेटिव है, और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, अंधा कोरोना हो रहा है, और हम लोगों की दुकाने वालों को कोरोना, ये कोरोना के पीछे ये राजनीति हो रही है, और हम लोग के पेट में लात मारा जा रहा है। पेपर दिखाना चाहता हूँ जी, इसमें हमने डीएम साहब को अभी भी लेटर दे के आए हैं कि हमारे लोग परेशान हैं, और यहाँ तक के निकलने नहीं दे रहे, आप भी आए तो रास्ते में कितना प्रॉब्लम हुआ होता होगा, तो यहाँ जो रह रहे हैं 24 घंटा रेसिडेंस है, और तो उनको निकलने नहीं दिया जा रहा है, कहता है कि नहीं नहीं भागो भागो, तो वो कहाँ से जाएंगे आएंगे, वो राशन कहाँ से लाएंगे, पानी कहाँ से लाएंगे, दवा कहाँ से लाएंगे, इस बारे में सोचें। उसने सभी पुलिस वाले को कह दिया कोई भी यहाँ रह रहा हो, चाहे धर्मशाला में या दुकान में, नहीं अब जाइए, वो चोरी छुपके जंगल से अब कैसे भी आता है, ठीक है ना। मेरे कहने में मैं अभी 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 जस्ट हमने जो डीएम साहब और थाने में एसीपी साहब को प्रतिलिपि जो दे कर आए हैं उस पर संज्ञान लिए हैं, उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि जिनके पास आधार कार्ड है, जो भी यहाँ का रेसिडेंटल है कालका मंदिर का, उनको मतलब कि आने जाने की अनुमति दिया जाए, इससे पहले नहीं था। तो हमारा कहने का मतलब है, जो हमारा मेन गेट देख रहे हैं उसे भी खुलवाएं, हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारे गाड़ी ट्रैफिक को आप सुन रहे हैं भाई, ट्रैफिक में गाड़ियाँ उठा रहे हैं, हमारे अंदर डीडीए पार्किंग में हमारी पार्किंग होती थी, हमारे भी छोटे छोटे बाइक हैं, तो लोग बाकी सारे उठवा रहे हैं, इतना अत्याचार किया जा रहा है जिसका जवाब नहीं है। गली में जाते हैं लठ मारते हैं, गाली देते पुलिस वाले गेट पे, हमको रास्ता नहीं निकलने के देते, हमारे बच्चे भूखन मर रहे, हमारी अंदर दुकान, हम क्या कर सकते हैं, हमारे कोई हमारी दुकान है छोटी मोटी, वहाँ के बंद करवाते हैं, कह रहे पंडित से सहन करवा के लाओ, हम क्यों सहन करवाने जान पंडित से,
हम जब इतने दिन से यहाँ रह रहे हैं तो अभी तो नहीं बोले कि साइन करवा के लाओ। हमारे बच्चे का गाली दिया, माँ बहन की गाली दे रहे हैं गेट में पुलिस वाले खड़े होकर, क्यों गाली दिया जा रहा? वो तो उसको तो कुछ करना चाहिए, गाली देते मार रहे हैं, कह रहे बहन के लोग इधर आ जाओ, क्यों गाली देते? इनकी बहुत नौकरी है, पुलिस वाले हैं तो हमें गाली देंगे? हम गरीब आदमी हैं। एक तो 8 महीना से पहले कोरोना के वजह से दुकान बंद था, फिर अभी नवरात्रों में जो भी आशा था थोड़ा कुछ काम करने का, वो भी हमारा बंद कर दिया गया। क्या चाहते हैं भैया? हम चाहते हैं हमारा दुकान खुल जाए, हम दुकान करें काम। मोटन पर गेट लगा रखे हैं, ताले मार रखे हैं, बच्चों को गाड़ी से घर पर नहीं आने दे रहे हैं, ड्यूटी से बच्चे रात को आते हैं तो भटकते हैं, कहाँ जाए पुलिस वाले देखो जहाँ मर्जी दखल, कहीं मतलब नहीं है वहाँ पुलिस खड़ी कर रही है, जहाँ मतलब है वहाँ पर भीड़ पूरी घुस रही है मंदिर में, और जहाँ पर मतलब नहीं है वहाँ पुलिस खड़ी कर रही है। NCR करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।